बाढ़ से प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों के लिए आज 22 अगस्त को चंडीगढ़ में कूच करनी थी। और आपको बता दें, फिलहाल हम चंडीगढ़ और पंजाब बॉर्डर पर इस समय खड़े हैं। आपको तस्वीरें हम यहां की दिखा रहे हैं, जहां पर आज किसानों ने पहुंचना था। आज सुबह से ही पुख्ता तैयारी करके रखी हुई थी चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस ने, और यहाँ पर CRPF के जवान भी मौजूद हैं। आपको मौका हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग आज पहुँचने थे, पर अभी तक जो है आज शाम के 4 जो है उससे ऊपर समय हो गया है और अभी तक किसान यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार मोहाली और चंडीगढ़ बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये बैरिकेड्स जो देख पा रहे हैं, अब ये एक लाइन में है, पर आपको बताएं कि आज सुबह ये इस लाइन में नहीं थे, बल्कि इनसे सड़क जो थी वो कवर की गई थी ताकि अगर किसान यहाँ पर कूच कर पाते हैं तो वो ना आ सकें, वो चंडीगढ़ शहर में एंट्री ना कर सकें। इस बात की तस्दीक जो थी वो की गई थी, पुख्ता इंतजाम कर यहाँ पर रखे गए थे ताकि अगर किसान आते हैं चंडीगढ़ में तो उनको रोका जा सके। पुख्ता इंतजाम जो थे वो किए गए थे। हालांकि आप ये भी देखिए कि सुबह से वो तैयारी की गई थी, पर जैसे जैसे इनपुट मिलती गई है वैसे वैसे थोड़ा ढीला रवैया जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है कि बैरिकेटिंग हटा दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी तक जो है इनपुट ये मिला है कि चंडीगढ़ में घुसने के लिए कामयाब नहीं हो पाए हैं किसान। फिलहाल आपको बताएं कि छोटी मोटी झड़प की खबरें जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली। जैसा कि बताया गया कि शंभू बॉर्डर पर सुबह आज हालात तनावपूर्ण ज़रूर थोड़ी देर के लिए हुए थे। वहाँ पर एक किसान की जो है वो भी एक्सीडेंट होने के बाद टांग टूटने की खबर सामने आई है, और सभी लोग जो हैं यहाँ पर आज पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि किसानों को चंडीगढ़ में ना एंटर होने दिया जाए। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ पुलिस फोर्स यहाँ पर थी, चाहे वज्र वाहन हो, चाहे पुलिस की गाड़ियाँ हो, चाहे अग्निशमन वाहन हो, और दंगा नियंत्रण वाहन भी आज यहाँ पर देखने को मिला कि आज चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार होकर आई थी कि किसानों को किसी भी तरह से एंट्री जो है चंडीगढ़ में नहीं लेने दी जाएगी। इसको देखते हुए जगह जगह पर छोटी छोटी चौकियाँ भी बनाई गई हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और CRPF के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर के आज चंडीगढ़ में आना चाहते थे, सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में आज अपने प्रदर्शन करना चाहते थे। अपनी मांगें जो हैं वो केंद्र के आगे उन्होंने रखनी थी। सबसे बड़ी मांग उन्होंने कहा है कि उन्हें 50,000 करोड़ का राहत पैकेज मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए 10 लाख और प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा, पशुधन का अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा। इसी तरह से कई और शर्तें हैं जो आज किसानों की तरफ से मांगी जा रही थी, और उसको लेकर के आज इन्होंने चंडीगढ़ में कूच करना था, प्रदर्शन करना था, पर चंडीगढ़ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। आज पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के जो हैं यहाँ पर तकरीबन 5,500 पुलिस जवान मौजूद थे, और इन सभी के साथ मिलकर के आज तैयारी की गई और किसानों को फिलहाल चंडीगढ़ में एंटर होने नहीं दिया गया है। अब आगे किसानों का क्या रुख रहेगा वो ज़रूर देखने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।